अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है एक खुशखबरी देनी है, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने जो टेस्ट दी थी 5 to 15 ग्रेड की, तो उनके लिए ये पोस्ट टेस्ट जो है ना हो चुकी हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई टेस्ट को किया था, तो उनके लिए ये लास्ट डिपार्टमेंट जो है वो इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू इज़ पर पॉलिसी, जैसे जो पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। ठीक है, तो देखते हैं ये कौन से डिपार्टमेंट ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ें। एप्लीकेंट्स फ्राम एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग क्लियर ग्रेजुएशन टेस्ट कंडक्टेड बाई IBS अक्कर टेस्टिंग सर्विस ऑफ डोमिसाइल सिंध आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज इन एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। एक्साइज एंड कंट्रोल, एक्साइज एंड टैक्सेशन विंग हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट विद इन 30 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो मतलब 30 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इसका ये जो लिस्ट वगैरह निकालेंगे और इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, तो इनकी 126 वैकेंट पोस्टेस हैं। उसमें रिकॉग्नाइज क्या है, मतलब आप ग्रेजुएट हों किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और आपकी जो टेस्ट है वो क्लियर होनी चाहिए ग्रेजुएशन कैटेगरी की। उसके बाद है दूसरी पोस्ट है की पंच ऑपरेटर BPS 14 की। 18 पोस्टेस हैं, मतलब 18 पोस्टेस हैं। तो इसमें बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एट लीस्ट इन सेकंड डिवीजन अलॉन्ग विथ डिप्लोमा इन LT कंप्यूटर विथ पंचिंग स्पीड ऑफ 8000 KP, मतलब पंच पर आवर। ठीक है, इन कैरेक्टर अल्फ़ाबेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द टेक्निकल बोर्ड एजुकेशनल। ठीक है, तो ये भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पढ़ें, तो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये एक ख़ास चीज़ जो एज के हवाले से 21 से लेकर 28 तक ये इम्पोर्टेंट है, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और क्या इसमें मेल और फीमेल, मतलब दोनों जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, आइए मैं सारी तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये आपको बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वेरीफाई होने चाहिए और अटेस्टेड हों। ठीक है, एक चीज़ ये, और दूसरी ये है द जनरल अपर एज रिलैक्सेशन लिमिट जो है वो भी आपको दी जाएगी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की तहत, सिंध गवर्नमेंट की तहत। ठीक है, और नीचे चलते हैं कि क्या है इसमें। उसके बाद है पोस्टेस विल बी फिल्ड रूरल एंड अर्बन रूरल कोटा एज पर प्रेस्क्राइब रूल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद ये पॉइंट जो है, देखें द शेयर ऑफ कोटा रिजर्व फॉर वुमेन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड माइनॉरिटी शैल बी एडहर्ड एज टू पॉलिसी एज पर पॉलिसी ऑफ। ठीक है, तो वुमेन भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब जो डिसेबल्ड कोटा है और माइनॉरिटी कोटा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। वो फॉर्म जो है वो मैं कर देता हूँ अपने चैनल पे पोस्ट, और जिसको भी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे ले सकता है, या फिर कमेंट करके मैं आपको उनको इंशाल्लाह जो है वो शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्म की तरफ के फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। ये है हमारे पास फॉर्म जिसको आपने फिल करना है। कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपको ये ग्रेजुएशन पे टिक करना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट में जो सीट नंबर था वो, टेस्ट स्कोर क्या था वो, नेम ऑफ डिपार्टमेंट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ पोस्ट कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ एप्लीकेंट, अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, रूरल है, अर्बन है, CNS लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, रिलीजन, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है, नेम ऑफ डिग्री, कब पास किया, कौन से बोर्ड से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, ग्रेड कितना है, और स्पेशलाइजेशन कितनी कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद ये देख सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस,
अगर आपने कोई ऐसा कोई काम किया हो, एक्सपीरियंस हो आपको, तो वो आपको ज़रूर लिखना है, शो करना है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब आपने कोई शॉर्ट कोर्स डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, आईटी डीआईटी, मतलब काफ़ी सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर होगी, ठीक है, डेट लिख के आपको जो है कहाँ पे सबमिट करना है वो, उस जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें एड्रेस लिखी हुई है, तो वो मैं आपको कमेंट में बता देता हूँ कि वो कहाँ पे जो है अप्लाई करना है, सॉरी सेंड करना है, ठीक है, ये फॉर्म। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।